हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। आइए देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। इस पर कई सारे वीडियोस पहले भी बनाई गई हैं मेरे द्वारा, एक बार और देखते हैं इसको। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ बना हुआ है कॉलम हेडिंग, इसमें अलग अलग नाम मिलेंगे। यहाँ हिंदी के अलग अलग मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं, साइंस के हैं, सीएस के हैं, हिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, और यहाँ टोटल करना है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। कहीं पर भी पूरे डेटा में कहीं पर भी क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए करिए। कंट्रोल ए करने से ये पूरा डेटा ही सेलेक्ट होगा आपका। जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने और कंट्रोल ए अगर करता हूँ तो ये ही डेटा केवल सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट हो गया तो आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट एच बी ए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। अब हमको टोटल करना है तो टोटल करने के लिए और कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ये टोटल भी हो जाएगा हमारा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इस डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो कैसे पॉसिबल होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है इंसर्ट टैब में, तो यहाँ से इंसर्ट टैब में चले जाइएगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा चार्ट बनाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर ये चार्ट एक हमारे पास है अवेलेबल, यहाँ पर अलग से ये 2D चार्ट है, ये 3D चार्ट है। तो जो भी चार्ट आप बनाना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरा डेटा सेलेक्ट रखिएगा। अगर आपको पूरे डेटा का चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ तो ये पूरा डेटा आ जाएगा सिलेक्शन में। फिर हम इंसर्ट टैब पे जा करके कोई भी एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3D चार्ट बना के दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये 3D चार्ट यहाँ पे अपने आप डिज़ाइन हो गया और यहाँ सारे बच्चों के नाम के साथ साथ इनकी पूरी डिटेल भी आ रही है। अब डिटेल कैसे आ रही है देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे युवराज का नंबर, तो युवराज का नंबर जो है ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम जो नंबर दिखाई पड़ रहा है, सबसे छोटा जो खंभा है, सबसे छोटा जो पिलर है वो किसका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सबसे छोटा पिलर जो है रिंकू का दिखाई पड़ रहा है। तो रिंकू का नंबर यानी मार्क्स सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसका दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो दिखाई पड़ रहा है वो है आपका मोहन का। तो यहाँ पे मोहन का जो पिलर है वो सबसे ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, देख सकते हैं। तो ये देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह का मार्क्स इनको मिला है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये चार्ट कहलाता है, ठीक है। और ये आपको एक्सेल में कमाल का फीचर देता है, ठीक है। आप देख करके ये बता सकते हो कि आप किसको क्या मार्क्स मिले या क्या हैपन हो रहा है किसके डेटा में, ठीक है। और यहाँ से आप कलर बदल सकते हो, आप अगर चाहो तो जो कलर लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर जा करके आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए वो कलर लगा लीजिए। जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये लगा लीजिए, जो भी आप कलर चाहते हो यहाँ आसानी से लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।